नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार आंदोलनरत थे और उसी आंदोलन के लिए बहुत परेशानियां भी इन लोगों ने झेली हैं, पुलिस के डंडे खाए। और वही वनादायक साइडिंग का ये पूरा मामला है जहाँ कोयले की ढुलाई से जो प्रदूषण हो रहा था उसके खिलाफ ग्रामीण लामबंद हुए थे, गोलबंद हुए थे और फिर धरना प्रदर्शन का दौर चला था। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। लगातार ये हो रहा था कि इस मामले में पहल होगी। आज शायद कुछ पहल हुआ क्योंकि एक जितने लोग आप देख रहे हैं ये लोग आज वार्ता में आए थे, उपायुक्त ने इन लोगों के साथ वार्ता की है। क्या है पूरी कहानी यहीं से जानते हैं। मुन्ना जी, आप इस मामले में जेल भी गए, क्या हुआ आज, कुछ लगा कि इस आंदोलन से कुछ हासिल? देखिए, थोड़ा सा आज का मीटिंग सकारात्मक तो हमें लगा। अभी तक क्या है कि उसमें जो कि एनटीपीसी के भी लोग थे, डीसी साहब थे, उसमें कुछ कुछ बातें जो हुई है उसमें ये पहला चीज़ हुआ है कि जो भी मतलब ज़मीन जो गया है किसानों का, वो ज़मीन का सीमांकन करके उसको एक प्राइवेट ज़मीन और सरकारी ज़मीन से नापी करके उसका इंडिविजुअल, चूंकि मास में एप्लीकेशन देने से पता नहीं चलेगा किसका कितना ज़मीन है, इंडिविजुअल लोगों अपना अलग अलग एप्लीकेशन देंगे जिससे उनको मुआवजा मिलने में उनको आसानी हो, जिनका मुआवजा नहीं मिला है। तो अभी जो इन लोगों ने हाल के दिनों में तो मांगा गया था सबसे कागज, उसी पे होगा कि फिर कुछ मांगा? नहीं नहीं, उसी पे, उसमें जो थोड़ा सा उसको और स्कैन करके जो छूट गया है उसको पूरे मिला के कंप्लीट करके देना है, मतलब मैंने कंप्लीट करके उसको देना है। तो अब सुखद थोड़ा लग रहा है। हाँ, सुखद। दूसरा है जो आपने लगातार कहा था क्या कि फिर से आंदोलन होगा जी, ये क्या उसी? देखिए, डीसी साहब 15 दिन का हम लोगों को आश्वासन लिखित में दिए थे। जो 15 दिन के बाद जब समय गुजरने लगा तो हम लोगों को लगा कि शायद डीसी साहब भी कंपनी का मेल में आ गए होंगे और हम लोगों को ठगा महसूस करने लगे। तो हम लोग की हौसला, हम वहाँ के स्थानीय हैं, हम लोग टूटे नहीं थे। हम अपनी ऊर्जा बताने का कार्य किए आप लोगों के बीच और आज की जो बैठक हुई, आज बातचीत जो हुई, मुझे बहुत सकारात्मक लगा और विद इन कल से भी इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे ट्रांसपोर्टिंग रोड था वो चलने का जो बात हुआ था, हम लोगों ने प्रे किया, कल से बंद भी होगी, ऐसा डीसी साहब और कंपनी के द्वारा के लोगों को पास बोला गया है। दबाव लगातार बना रहे हैं, इसके लिए कुछ होगा? देखिए, 10 तारीख को जो जिस दिन आंदोलन हम लोग रोके थे उस दिन जितना बात हुआ था उसमें सूचीबद्ध तरीके से बहुत सारा विषय पे हम लोग का डिस्कशन हुआ था और प्रशासन सही में सकारात्मक रहा है। अगर वो सजग रहता पहले तो शायद उतना आंदोलन नहीं होता, उतना उसको हिंसात्मक भी नहीं होता, लेकिन जब से आया उसके बाद से प्रशासन पूरा सकारात्मक, क्योंकि जितना पॉइंट था हम लोग का ग्रामीण का सारा बहुत ही जेन्युइन पॉइंट था और सभी पे बात हुआ। लैंड एक्विजिशन का इशू हो, लैंड एक्विजिशन का जितना मुद्दा था 106 लोग एप्लीकेशन दिया है, लैंड एक्विजिशन का जो मुद्दा था 106 एप्लीकेशन दिया गया है, अभी भी बोला गया अगर कोई छूट गया है तो फर्दर एप्लीकेशन देंगे। 106 एप्लीकेशन एक सप्ताह के अंदर उसका निपटारा कर देने के लिए कहा गया है। उसमें कुछ लोगों का कहा है प्रेशर तो रखा जाएगा, इसमें कहीं दुमत नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि आम जनता का बानादक साइनिंग में जब मैं पहली बार गया था तो सारा चीज देखा मैंने और आंदोलन शुरू, कुछ आंदोलन, हाँ आंदोलन जब शुरू किए कांग्रेस के माध्यम से, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के हैसियत से मैंने गया था और वहाँ उदय कुमार साहु जी थे उनका नेतृत्व में, उनका मुख्या काल में मैंने पूरे ग्रामीण के साथ भाई बहन जितना सब के सामने जब मैं। अच्छा, क्या लगता है ये अभी जो कुछ बातचीत हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी, बहुत कुछ हुआ है। हम लोग का बहुत अधिकार जो मिलना था सो मिला और हम लोग आगे भी लड़ना है, जहाँ तक ले होगा डट के सामना करेंगे। अभी लग रहा है कि अब कुछ मिल पाएगा, जो लग तो रहा है कि कुछ मिल पाएगा, लेकिन रह गया अगर यदि नहीं मिलेगा फिर से ठीक लग रहा है, हो पाएगा, कुछ हो पाएगा। अभी तो हम लोग पूरा अपना आशा विश्वास के साथ ये उम्मीद जता के रखे हैं कि हम लोग को अभी जो मांगे किए वो मांग को पूरी करने के लिए डीसी साहब पूरा आदेश किए हैं। अगर ये आदेश को अपना नियम अनुसार नहीं पालन करेंगे तो फिर हम लोग जहाँ डटे हुए हैं वहाँ हम लोग डटे रहेंगे। तो देखिए, सारे पक्ष यहाँ पे हैं और सारे पक्षों की बात आपने सुनी। एक आस जगी है कि जो आंदोलन हुआ भले ही हिंसात्मक हो गया, दोनों पक्ष की ओर से लाठीचार्ज भी हुआ, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन अब प्रशासन थोड़ा सचेत यहाँ पे हुआ है और एक बीच का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। विस्मय अलंकार लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।